वेलकम टू द चैनल आरवी फैंटेसी सेवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीए का जो मैच होने वाला है वाशिंगटन वाइजर्स वर्सेज चार्लोट हॉर्नेट्स के बीच में। दोनों टीम का कंपैरिजन करें तो वाशिंगटन वाइजर्स जो था अपने लास्ट के यहाँ पर 4 में से यहाँ पर 2 मैच विन और 2 मैच यहाँ पर लॉस के साथ आ रही। उसी के साथ साथ हॉर्नेट्स अपने के लास्ट के यहाँ पर 4 मैच यहाँ पर लॉस के साथ आ रही। और एनबीए का आज का जो दिन है तो रेगुलर सीजन का लास्ट डे है, तो यहाँ पर बहुत सारे एनबीए के मैचेस होने वाले। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर लिंक वर्क नहीं करती तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RBFantasy7। बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टर प्लस यहाँ पर इंजरी अपडेट्स। सबसे पहले वाशिंगटन वाइजर्स की तरफ से RW2 यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आर्निटो जो कि लास्ट मैच खेली नहीं थी आज का मैच यहाँ पर प्रोबेबली खेलने वाले। बी बेल्स भी आज का मैच यहाँ पर खेल सकते हैं, अगर खेलेंगे तो फिर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। उसी के साथ साथ फॉरवर्ड से आर चुमेरा जो कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इनके रेगुलर स्टार्टर है। और सेंटर से आपको एलिन एज ए स्टार्टर यहाँ से देखने को मिले। ये आपको वाशिंगटन वाइजर्स की तरफ से प्रोबेबल 5 स्टार्टर देखने को मिलेंगे। बी बेल्स, GTD, उसी के साथ साथ आर्निटो, इन पर भी GTD, दोनों पर यहाँ पर गेम टाइम डिसीजन है, अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं, लेकिन अगर दोनों खेलेंगे तो फिर दोनों यहाँ पर एज ए यहाँ पर स्टार्टर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर चार्लोट हॉर्नेट्स की तरफ से यल पॉल करेंगे पॉइंट गार्ड से स्टार्ट, टीराजर करेंगे शूटिंग गार्ड से शूटिंग से यहाँ पर स्टार्ट। जी हाइवर्ड जो कि यहाँ से आउट हो चुके, तो जी हाइवर्ड यहाँ पर खेलने रहे, जी हाइवर्ड की जगह पर आपको पी वाशिंगटन एज अ स्टार्टर देखने को मिलेंगे। और बी वायम्बो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सेंटर से, और जे मैकडिनिस 6.5 क्रेडिट के प्लेयर है जो कि यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जे हाइवर्ड की जगह पर। तो बेस्ट प्लेयर है, टाइम बेस्ट मिला रिसेंटली मैचेस में, परफॉर्मेंस भी अपन इनकी तरफ से ठीक ठाक आया, और बेस्ट क्रेडिट से और आपको यहाँ से मिल जाएंगे। प्रोबेबल 5 स्टार्टर हॉर्नेट्स की तरफ से जिन्होंने लास्ट मैच में भी स्टार्ट किया था, और प्रोबेबली यहाँ पर आज का मैच भी स्टार्ट करेंगे। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस यल बॉल एज अ स्टार्टर करते हुए लास्ट मैच कुछ खास नहीं रहा था। डिग्रामा जो कि खेलेंगे एज ए बेंच प्लेयर, बेस्ट बेंच प्लेयर है इस टीम की तरफ से। जो लास्ट मैच रहा था डिग्रामा का परफॉर्मेंस टाइम बेस्ट मिला था, परफॉर्मेंस बेस्ट आया था। यल बॉल टाइम कम मिला था और परफॉर्मेंस भी कुछ खास इनकी तरफ से आया नहीं था। बाकी डिग्रामा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक, यल बॉल जेल में ट्राई कर सकते हो। बाकी टी रॉयजर्स जो कि यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 15.5 क्रेडिट के प्लेयर है, पी वैन मेकर खेलेंगे एज अ बेंच प्लेयर। टी रॉयजर बेस्ट पिक है, मस्ट है, बेस्ट एस पी चॉइस आपको मिल जाएंगे। लास्ट मैच टाइम बेस्ट मिला था, परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं, लेकिन ऑफेंसिव चार संभल थे, परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आपको इससे बेटर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं, और थर्ड मैच में भी यहाँ पर टाइम बेस्ट मिलता है। बाकी यहाँ पर रिसेंटली 2 मैचेस में यहाँ पर इनकी तरफ से परफॉर्मेंस कुछ खास यहाँ पर आया नहीं। बाकी वाशिंगटन वाइजर्स की तरफ से बी बेल खेलेंगे, तो फिर यहाँ पर आपको टी रॉयजर के साथ यहाँ पर इनको यहाँ पर आप ड्रॉप करके चले जा सकते हो। बी बेल्स बेस्ट पीपी चॉइस ऐसे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। स्मॉल फॉरवर्ड से जियावर खेल नहीं रहे, यम मोरंकी खेलेंगे एज ए बैन प्लेयर। लास्ट मैच का यम मोरंकी का परफॉर्मेंस बैन से खेलते हुए 15 मिनट मिले थे, 4.1 रिबाउंड और 1 असिस्ट, कुछ खास प्लेयर यहाँ से आपको मिलेंगे नहीं इस टीम की तरफ से। पावर फॉरवर्ड से पी वाशिंगटन स्टार्ट करेंगे, यम ब्रिज जो कि खेलेंगे एज ए बैन प्लेयर, रिसेंटली मैचेस में टाइम बेस्ट मिल रहा है, परफॉर्मेंस बेस्ट आ रहा है। जे मैकडिनल 6.5 क्रेडिट के प्लेयर है जो कि यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, तीनों यहाँ पर बेटर पिक आपको मिल जाएंगे। बाकी वाशिंगटन को जेल में ट्राई करना, और यम ब्रिज स्मॉल लीग के लिए मस्त है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर जे मैकडिनल जो कि यहाँ पर जे आईवेट की जगह पर स्टार्ट कर रहे हैं रिसेंटली मैचेस से, टाइम बेस्ट मिल रहा है, परफॉर्मेंस इनके तरफ से बेस्ट आ रहा है। जो लास्ट मैच रहा था क्रेडिट के हिसाब से बेस्ट रहा था, जो सेकंड मैच रहा था क्रेडिट के हिसाब से ये भी ठीक ठाक रहा था। उसी के साथ साथ डिग्रामा जो कि आपको बेस्ट पिक ऐसे आपको मिल जाएंगे, और यमब्रिज लास्ट मैच खेले थे टाइम बेस्ट मिला था, परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आपको बेस्ट मिलेगा, और लास्ट मैच में इनकी तरफ से यहाँ पर परफॉर्मेंस यहाँ से बेस्ट आया था। आज का मैच भी यहाँ पर खेलने लगेंगे जे मैकडिनल क्रेडिट से ओवर जो कि यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, यमब्रिज एज ए बैच प्लेयर खेलेंगे, लास्ट मैच टाइम बेस्ट मिला। बाकी यहाँ पर पी वाशिंगटन जेल में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए कुछ खास प्लेयर नहीं। बी वायम्बो लास्ट मैच यहाँ पर खेलने रहे थे तो स्विट्जरलैंड ने स्टार्ट किया था, आज का मैच यहाँ पर बी वायम्बो खेलने वाले और वो करेंगे स्टार्ट। लास्ट मैच खेलने रहे थे जो सेकंड मैच खेले थे वहाँ पर किया था इन्होंने स्टार्ट, 26 मिनट खेलकर 13.7 रिबाउंड और 1 असिस्ट, 26 साथ साथ स्विट्जरलैंड जो उनके करेंगे असिस्ट एज अ बैच प्लेयर। सेकंड मैच का परफॉर्मेंस 18 मिनट खेलकर 10.6 रिबाउंड 1 असिस्ट, जो लास्ट मैच रहा था 36 मिनट खेलकर टाइम बेस्ट मिला था क्योंकि बी वायम्बो ऐसे खेलने रहे थे एज अ स्टार्टर करते हुए, 10 पॉइंट और 11 रिबाउंड इनकी तरफ से यहाँ से आए थे। बाकी वाशिंगटन वाइजर्स की तरफ से अगर बात करूँ तो RW2 जो कि ऑलमोस्ट सबके पास होने वाले और सबके ESP होने वाले, तो इनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं। आइसमिथ जो कि खेलेंगे एज ए बैच प्लेयर, जेल में ट्राई करना, स्मॉल लीग के लिए भी थोड़े से आपको पंट पिक और थोड़े से एक बेस्ट पिक यहाँ से मिल जाएंगे जो कि बैन से खेलते हैं। लास्ट मैच ठीक ठाक गया था, 11.5 रिबाउंड, 3 असिस्ट और 1 स्टील। RW2 का परफॉर्मेंस पॉइंट से भी परफॉर्मेंस आता है, रिबाउंड से, असिस्ट से और स्टील से भी बेस्ट परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आता है, तो ऑलमोस्ट 100% आप उन्होंने का आपके ESP होने वाले। GL स्मॉल लीग में भी ऑलमोस्ट 99% लीग में यहाँ पर, GL में भी, RW2 यहाँ पर सबके ESP होने वाले,
तो कोई इनको यहाँ पर ड्रॉप करने का यहाँ पर सोचेंगे भी नहीं। बी बॉयज जो कि प्रोबेबली आज का मैच यहाँ पर खेलेंगे, अगर खेलते हैं तो फिर बेस्ट पिक मिल जाएंगे, बेस्ट एसपी चॉइस, एसपी नहीं पीपी चॉइस भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आरनेटो जो कि लास्ट मैच खेले नहीं थे, आज का मैच यहाँ पर प्रोबेबली खेलने वाले, जो लास्ट मैच का परफॉर्मेंस रहा था एज अ स्टार्टर करते हुए, लास्ट मैच खेले नहीं थे, सेकंड मैच में स्टार्ट करते हुए 29 मिनट खेलकर 14.3 रिबाउंड और 2 असिस्टिंग की तरफ से आए थे। बाकी फॉरवर्ड से आपको आर उचिमुरा 11 क्रेडिट के जो कि यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, बेस्ट टाइम मिलता है, बेस्ट परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आता है। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस टाइम बेस्ट मिला था, 14.3 रिबाउंड और 1 असिस्ट इनकी तरफ से आए थे। डिवाइडर ने लास्ट मैच में यहाँ पर स्टार्ट किया था आरनेटो की जगह पर, प्रोबेबली आज का मैच अगर आरनेटो खेलेंगे तो डिवाइडर खेलेंगे एज ए बेंच प्लेयर। स्टार्ट करते हुए टाइम बेस्ट मिला था, परफॉर्मेंस बेस्ट आया था, इवन जब यहाँ पर ही एज ए बेंच प्लेयर खेलते तब भी यहाँ पर इनको बेस्ट टाइम मिलता है, देख सकते हैं 31 मिनट खेलकर 14.4 रिबाउंड और 2 स्टील इनकी तरफ से आए थे। तो बेस्ट पे कैसे मिल जाएंगे, पंट पे के जेल में ट्राई करना, स्मॉल लीग के लिए भी थोड़े से बेटर पे कैसे आपको मिल जाएंगे। और फॉरवर्ड से आपको डी गफोर जो कि यहाँ पर फिर से बेटर पिक मिल जाएंगे, जो कि खेलते हैं एज ए बैन प्लेयर। टाइम कम मिलता है लेकिन कम टाइम में आपको ये प्लेयर ज़्यादा पॉइंट देने के यहाँ पर इनमें कैपेबिलिटी है। बाकी जो लास्ट मैच रहा था कम टाइम मिला था, 21 मिनट कम नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर एवरेज टाइम था 21 मिनट खेलकर 12.5 रिबाउंड और 3 ब्लॉक। जो सेकंड मैच रहा था गफोर का, यहाँ पर भी टाइम ठीक ठाक मिला था और पॉइंट देख सकते हैं 16.4 रिबाउंड, 1 असिस्ट और 1 स्टील इनके तरफ से आया था। बाकी बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगे रिसेंटली मैचेस इनके बेस्ट के। सेंटर से आरलुप्स खेलेंगे एज ए बेंच प्लेयर, एलिन करेंगे स्टार्ट, एलिन यहाँ पर स्टार्ट करते लेकिन इनको टाइम इतना बेस्ट मिलता नहीं। लास्ट मैच 11 मिनट खेले थे, पॉइंट देख सकते हैं 4.5 रिबाउंड, 1 ब्लॉक और 1 स्टील, परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा था लेकिन पॉइंट बहुत टाइम बहुत कम मिला था। आरलुप्स एज ए बेंच प्लेयर खेलकर 14.5 रिबाउंड और 1 असिस्ट इनके तरफ से आया था। बाकी दोनों को भी यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो, एलिन का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम, बाकी लास्ट मैच में इनको टाइम नहीं मिला था, सेकेंड मैच में इनको टाइम मिला था, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर इनकी तरफ से ठीक ठाक आया था। अगर टाइम बेस्ट मिलेगा तो फिर यहाँ पर ये प्लेयर परफॉर्मेंस भी ऐसे बेस्ट देंगे, लेकिन टाइम इनका कन्फर्म नहीं, लास्ट मैच में इनको टाइम नहीं मिला था, हो सकता है आज के मैच में इनको टाइम मिलेगा तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, वैसे भी इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई। बाकी अगर ड्रीम इलेवन टीम की अगर बात करूँ तो RV2 मस्त है, उसी के साथ साथ डिक्रेमा जो कि यहाँ पर खेलते हैं एज ए बेंच प्लेयर, टाइम बेस्ट मिलता है, परफॉर्मेंस इनके तरफ से यहाँ पर बेस्ट आता है। बीवेल्स अगर खेलेंगे तो मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है, और बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगे और बेस्ट एस पी 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 चॉइस भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आरनेटो जो कि यहाँ पर प्रोबेबल आज का मैच खेलेंगे, अगर खेलेंगे तो फिर स्टार्ट करेंगे, अभी फिलहाल तो इनके ऊपर यहाँ पर GTD गेम टाइम डिसीजन है। यहाँ से आर उचिमुरा एक बेटर पिक मिल जाएंगे, बाकी कोई यहाँ पर आपको एक बेस्ट पिक यहाँ से मिलने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं। JIY एक थोड़े से बेटर पिक थे वो कि यहाँ से इनएक्टिव है, और यम मोने की खेलते हैं एज ए बेंच प्लेयर, क्रेडिट के हिसाब से परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं। सी चुसंग का यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, जो भी खेलते हैं यहाँ पर लास्ट मैच में इन्होंने स्टार्ट किया था, आज का मैच यहाँ पर एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर सी मार्टिन एक थोड़े से बेटर पिक मिल जाएंगे, और ये जो सी मार्टिन है यहाँ से ये खेलने रहे, बाकी यहाँ पर सी मार्टिन को एज ए क्रेडिट से और आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। पावर फॉरवर्ड से यमरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले के प्लेयर है, उसी के साथ साथ जे मैकडिनल जो कि आपको यहाँ से एज ए क्रेडिट सेवर अवेलेबल हो जाएंगे। बीबायम्बो जो कि यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, चाहे तो आप एलिंग के साथ जा सकते हो या फिर आरलुप्स के साथ जा सकते हो, दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो, बाकी मैं फिलहाल बीबायम्बो के साथ जा रहा हूँ। एलिन यहाँ पर थोड़े से बेटर पिक है लेकिन टाइम कम मिलता है, सेम आरलुप्स को भी टाइम कम मिलता है, और बीबायम्बो ऑलमोस्ट यहाँ पर एवरेज 25 मिनट खेलते हैं, तो बीबायम्बो थोड़े से बेटर पिक। बाकी सेलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से आप एलिंग के साथ भी यहाँ से जा सकते हो। बाकी जो 8th प्लेयर है आप आपके पास यहाँ पर डिबार्टन अवेलेबल है, डी गेफोर्ड अवेलेबल है, उसी के साथ साथ आरनेटो खेलेंगे तो यहाँ पर ये करेंगे स्टार, तो आरनेटो आपके पास अवेलेबल है। बाकी तीनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो, थोड़े से यहाँ पर मुझे बेटर पिक यहाँ से दोनों यहाँ पर लग रहे, डी गेफोर्ड और डी बार्टन, लेकिन सेलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से अगर आप जाना चाहते हो तो आरनेटो के साथ यहाँ पर जा सकते हो। बाकी फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। बाकी ये प्लेयर इन्फॉर्मेशन, एस पी 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 चॉइस की अगर बात करूँ तो RV2 जो कि आपके ऑलमोस्ट 100% अपोनेंट के एस पी होने वाले पी पी में, आप यहाँ पर टी राजर को ट्राई कर सकते हो। रिसेंटली मैचेस का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं लेकिन ठीक ठाक आप यहाँ पर कह सकते हो। अगर यहाँ से बीबेल खेलेंगे तो फिर मेरे टीम में यहाँ पर बीबेल होंगे, यहाँ पर टी राजर्स की जगह पर थोड़े से यहाँ पर क्रेडिट मैनेज करके फिर मेरे टीम में यहाँ पर टी रॉयजर की जगह बीबेल होंगे। क्रेडिट अगर मैनेज करना है तो फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा ग्रामा पर या फिर यमब्रिज पर, और यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर आर हिचुमरा पर भी यहाँ पर रिस्क ले सकते हो। अगर आर हिचुमरा को यहाँ से ड्रॉप करते हो मार्टिन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे या फिर सी चेसन, और उसी के साथ साथ यहाँ पर बीबेल्स खेलते हैं ये कॉम्बिनेशन। जब यहाँ पर बीबेल्स खेलेंगे फिलहाल इनके ऊपर यहाँ पर GTD और यहाँ पर बेस्ट पीपी चॉइस आपको बीबेल यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर जैसे जैसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन और इंजरी अपडेट्स आती
उसके अकॉर्डिंग। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, उसके साथ साथ अपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा। तो मिलते फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर।